दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले मोटो ई फोर प्लस में एक गेमिंग रिव्यू, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों गेमिंग रिव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगा मीडियाटेक का MT6737 प्रोसेसर, जो कि एक 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक क्वाड कोर प्रोसेसर है। साथ में आपको मीडियाटेक का माली T720 जीपीयू मिल जाता है। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग इसमें छोटे गेम्स प्ले करेंगे, सबवे सर्फर और टेम्पल रन 2 जैसे गेम्स खेलेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़े बड़े गेम जैसे डेड ट्रैगर 2, मॉडर्न कॉम्बैट 5, एस्फल्ट 8 और सैन एंड्रियास जैसी गेम्स खेलेंगे। चलिए सबवे सर्फर से शुरू करते हैं हम हमारा गेमिंग रिव्यू। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गेमिंग काफ़ी स्मूथ है, सबवे सर्फर इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो सबवे सर्फर जैसी छोटी गेम्स अगर आपको खेलना है तो आप आसानी से इसको खेल सकते हैं, आपको इसमें खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग खेलते हैं टेम्पल रन 2। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल रन 2 भी काफ़ी अच्छा चला, तो आपको अगर कैजुअल गेम्स या स्मॉल गेम्स खेलना है तो आप आसानी से खेल सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए थोड़े बड़े गेम्स खेल के देख लेते हैं, इस बार डेड ट्रिगर 2 खेल के देख लेते हैं डेड ट्रिगर 2 इसमें कैसे चलता है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग इसमें होता है या नहीं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा डेड ट्रिगर भी इसमें काफ़ी अच्छे चल रहा है, डेड ट्रिगर खेलते टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हालांकि डेड ट्रिगर एक मीडियम गेम है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़े बड़े गेम्स खेल के देख लेते हैं, मॉडर्न कॉम्बैट शुरू करते हैं और देख लेते हैं मॉडर्न कॉम्बैट इसमें कैसा प्ले होता है। दोस्तों गेमिंग तो इसमें हो रहा है लेकिन गेमिंग उतना स्मूथ नहीं हो रहा है और गेमिंग करते रहे मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो मॉडर्न कॉम्बैट जैसी अगर हाई एंड गेम्स अगर खेलेंगे तो गेम्स खेलते रहें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी उसमें उतना अच्छा नहीं है। हालांकि छोटे और मीडियम गेम्स खेलते रहें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटे और मीडियम गेम्स में आपको आसानी से इसको गेम को खेल सकते हैं।
लेकिन मॉडर्न कॉम्बैट जैसी बड़ी गेम्स खेलेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं गेमिंग उतना स्मूथ नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो गेमिंग थोड़ा स्लगिश है और फ्रेम ड्रॉप्स भी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एसफल्ट 8 खेल के देख लेते हैं एसफल्ट 8 इसमें कैसा प्ले होता है। दोस्तों आप लोग अगर नोटिस कर पाए तो देख पाएंगे यहाँ पे गेमिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है और गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है और गेमिंग थोड़ा स्लगिश हो रहा है, थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे इस डिवाइस में एसफल्ट 8। और ये जो है फुल ग्राफिक्स सेटिंग्स में मैं खेल रहा हूँ, तो फुल ग्राफिक्स सेटिंग्स में ये गेम को हैंडल नहीं कर पा रहा है और इस डिवाइस में आपको गेमिंग उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो एसफल्ट 8, मॉडर्न कॉम्बैट 5 इस जैसे बड़े गेम्स को आप इस डिवाइस पे तो खेल नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं इस गेम को आगे और नहीं बढ़ाता हूँ, चलिए अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले हम लोग इसको एक मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स में खेल के देख लेते हैं मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स में प्लेएबल है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर जैसे देख पा रहे मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स में अगर आप खेलेंगे तो गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव होता है, लेकिन अभी भी ये गेमिंग परफेक्ट नहीं है। तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग में भी आप अगर एसफल्ट 8 को खेलेंगे तो उसमें भी आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये तो पक्का हो गया कि ये डिवाइस आपका हाई एंड गेम्स खेलने के लिए नहीं बना है। तो अगर आप हाई एंड गेम्स खेलने की सोच रहे हैं इस डिवाइस पे तो आप नहीं खेल पाएंगे। अगर आपको हाई एंड गेम्स खेलना है तो आप कोई दूसरा डिवाइस खरीदें, जैसे रेडमी 4 या रेडमी नोट 4 आप खरीदेंगे तो उसमें आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा सेम बजट रेंज में। चलिए दोस्तों आखिरी गेम GTA San Andreas खेल के देख लेते हैं हम लोग GTA San Andreas इसमें कैसा प्ले होता है। दोस्तों GTA San Andreas आप लोग देख पा रहे हैं गेम तो इसमें प्लेबल है लेकिन गेमिंग उतना स्मूथ नहीं है, इसमें भी आपको स्लो गेमिंग और फ्रेम ड्रॉप्स का इशू देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हाई एंड गेम्स खेलना है तो आप इस डिवाइस को तो भूल ही जाइए, लेकिन अगर आपको मीडियम गेम्स या स्मॉल गेम्स खेलना है तो आप आसानी से इस डिवाइस को यूज़ करके वो सब गेम्स खेल सकते हैं। और दोस्तों गेमिंग करते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए और इस 15 से 20 मिनट में अगर आप देखेंगे, हालांकि आप देख नहीं पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको हीटिंग थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, हीटिंग थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है, ओवर हीटिंग का इशू नहीं है, लेकिन हल्का हीटिंग हो रहा है, हल्का वार्म सा फीलिंग आ रहा है और मेटल बॉडी होने की वजह से थोड़ा हीटिंग महसूस हो रहा है, हालांकि उतना ज़्यादा हीटिंग नहीं है। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ,
लेकिन फिर भी इस रेंज के डिवाइस में आप तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा गेमिंग मिल जाए, लेकिन इस डिवाइस में आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, आपको गेमिंग इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था मोटो ई फोर प्लस का एक गेमिंग रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।